पटना शहर के कैंट थाना क्षेत्र अंतर्गत दीपावली की रात एक नेता के घर पर हुए पथराव के मामले में एक आरोपी के स्वयं पर झूठा मुकदमा दर्ज होने के चलते उसने अपना वीडियो वायरल कर अपने पक्ष में सफाई पेश की है। दीपावली की रात मुंशीपुरा में भाजपा नेता सूर्यकांत जगताप के घर पर हुए पथराव के मामले में दर्ज हुए एक प्रकरण के मामले के एक आरोपी संदीप सोलंकी ने सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर चेतावनी दी है। इसमें उसने कहा है कि मुझ पर झूठा मुकदमा दर्ज किया गया है, अगर दो दिन में इसका निकाल नहीं किया गया तो आगे की स्थितियों के लिए कैंट टीआई और जगताप सिंह जिम्मेदार होंगे। आरोपी ने कहा कि जगताप सिंह से मेरी दुश्मनी है, इसलिए झूठा प्रकरण दर्ज करवा दिया है। दो दिन में अगर जांच कर निराकरण नहीं हुआ तो आगे की स्थितियों के लिए टीआई और जगताप जिम्मेदार होंगे। मैं ये हॉस्पिटल रेम्बो चिल्ड्रन हॉस्पिटल के बाहर खड़ा हूँ और मेरी बच्ची यहाँ 5 दिन से एडमिट है। कल रात को मेरे खिलाफ कैंट थाने में झूठा मुकदमा कायम किया गया। जगताप से पुरानी दुश्मनी चल रही थी और मेरी बच्ची और मेरी पूरी फैमिली यही है। कल सहयोग में छुट्टी करवाया, सीजर से ऑपरेशन हुआ था मेरी घरवाली का। माँ का दूध मांग रहे थे इसलिए उसको लेने और आया था मैं। कल रात को पुलिस द्वारा और जगताप द्वारा झूठा मुकदमा मेरे ऊपर कायम किया गया। अगर 2 दिन में मेरे ऊपर से मुकदमा